प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारे से छोटा सा चैनल लिल्टू भैया पर तहे दिल से वेलकम है, खुश आमदीद है। देखेंगे प्यारे साथियों, जिनका भी एग्जामिनेशन 2023 यानी के 2023 में होने वाला है, फोकानिया और मौलवी का। ठीक है आजीज साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, वहां पर फोकानिया लिखना मैं भूल गया, इसीलिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। जिनका भी एग्जाम है फोकानिया और मौलवी का 2023 में, तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम का जो डेट जारी हुआ है वो 10 जुलाई से कहा गया है कि आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज साथियों कंफ्यूजन और दिक्कत और यहाँ पर आ रही है, काफी बच्चे परेशान है कि सर अभी जो फिलहाल डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ था मेरा, उनके बाद फर्स्ट स्टेप में यानी कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड में उर्दू इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखने की कोशिश किया हूँ। उर्दू वाले यहाँ पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो नंबर एक पे हमने लिखा है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब तक आएगा और डम्मी एडमिट कार्ड, और तीसरा नंबर में कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका जो एग्जाम सेंटर होगा आजीज साथियों वो किस जगह और कहाँ पर होगा। ठीक है, इसी टॉपिक में और इसी वीडियोस में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट गुजारिश है, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ करके मेहनत तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो आइए सबसे पहला चीज आपका मैं दूर कर दूं कि आपका जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है आजीज साथियों, ये कब से कब तक आने की उम्मीद है। तो फिलहाल आपको मैं बताते चलूं कि 29 तारीख को आपका जो है वो बकरीद है यानी कि ईद उल अजहा, 29 उसके बाद 30 और 1 यानी कि ये तीनों दिन आपका पर्व है। ठीक है, तो ये तीन दिन जो है मदरसा बोर्ड बिल्कुल क्लोज यानी के बंद रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो अभी वक्त कितना है, आज आपको है 27 तारीख और 28 तारीख, तो ये दो दिन में तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपका ओरिजिनल वाला जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आए। ठीक है, कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, अब आप सभी का जो क्या कहते हैं 1 तारीख के बाद से लेकर के 3 तारीख के बीच तक जो है आपका ओरिजिनल वाला जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो जारी हो सकता है, और 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच भी आपका डम्मी और ओरिजिनल दोनों एडमिट कार्ड एक ही साथ जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि अब एग्जाम है 10 जुलाई से, एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि दोनों चीज एक ही साथ जारी करेगा मदरसा बोर्ड। ठीक है, और अजीज साथियों आपको मैं बताते चलूं, एग्जाम सेंटर से पहले एक चीज मैं आपको कवर कर दूं कि अब जो है आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है, तो इससे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आज साथियों कि एक क्वेश्चन यानी कि एक सवाल देगा और उसका जो आंसर है नीचे में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इस तरह करके देगा। इसमें से आपको चूज करना है कि ए सही है, बी सही है, सी और डी। सब्जेक्टिव तो आपको पता ही, उसे कहते हैं क्वेश्चन दी और उसका आंसर आपको बुक में लिखना है। तो इसी को लेकर के मदरसा बोर्ड में आप एनसीईआरटी पैटर्न चलेगा। ठीक है आजीज साथियों, क्या चीज, तो एनसीईआरटी। ठीक है, पहले जो था एससीईआरटी चला करता था, अब लेकिन फिलहाल सिलेबस को चेंज कर दिया तो एनसीईआरटी चलेगा। तो इसी को देखते हुए, इसी चीज को समझकर बूझकर आजीज साथियों, आप सभी के लिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते, केवल अब आपके पास मात्र जो वक्त है वो 10 से 12 दिन का वक्त रह गया है, और चाहते हैं बेहतर से बेहतर नंबर हासिल करने के लिए आजीज साथियों, तो अभी 50% डिस्काउंट के साथ यानी के 50% डिस्काउंट के साथ आपको नोट्स मिल रहा है आजीज साथियों। ठीक है, आपके इसी चैनल के माध्यम से अगर आप चाहते हैं उस नोट्स को पाने के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, 92 उसके बाद 633 उसके बाद 41 119। ठीक है आजीज साथियों, इस नंबर पर आपको केवल जो आपको व्हाट्सअप करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डम्मी एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ये सभी चीज समझा दिया, उसके बाद आप आइए लास्ट में एग्जाम सेंटर के बारे में बात करते हैं।
तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा यानी कि इम्तिहान का जो सेंटर होगा, तो आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप मधेपुरा से बिलोंग करते हैं या फिर सहरसा से, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, छपरा, सिवान, तो जिस भी जिला से आप हैं उसी जिला के अंतर्गत और उसी शहर में आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा सेंटर कहाँ से कहाँ फेंक देगा, ठीक है। आदित्य साथियों, कि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, या नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर एल्टो भैया लिखिएगा आदित्य साथियों, वहां पर मैं आपसे बात भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, जैसे कोई अपडेट आती है। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।